हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए मोटिवेशन वीडियो पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, जो सोता है वह खोता है। ये आपने सुना होगा कि, वैसे तो मैं आपको इसी लाइन के बारे में बात करूँगा, जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वो पाता है, कहने का मतलब। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब कि जब कोई मतलब बच्चा पैदा होता है, मतलब दुनिया में आता है, मतलब पहली बार है ना, तो पैदा होने के बाद चाहे किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हो रहा हो, तो पैदा होने के बाद क्या बोलते हैं, 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो उस एज में जो बच्चा होता है, कहने मतलब चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं। लेकिन 3 साल की एज तक वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, मतलब पढ़ने लायक हो जाता है। तो उस बच्चे को, जैसे भारत के अंदर 2 तरह के स्कूल होते हैं, जैसे हमारे भारत देश के अंदर पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी स्कूल, जो 1 से 5वीं तक या 6वीं से 12वीं तक होता है। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है, नर्सरी KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद बाद की क्लासे होती हैं, कहने का मतलब। तो इसमें क्या होता है, फिर बच्चे को चौथी, जब वो चार साल में प्रेस करता है 4वीं साल में, तो उसको स्कूल में नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है। फिर वो ऐसे तरीके से आगे क्लास को नर्सरी KG, LKG, UKG ऐसे करते हुए पास करता हो जाता है, मतलब। तो जैसे आप सभी को पता होगा, फिर आगे की पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन कहा जाता है कि 4 से लेके 13 साल तक की उम्र होती है, वो बच्चों के लिए बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से मतलब, जब चाइल्डहुड के टाइम में क्या, बच्चे को ज़्यादातर खेलने कूदने में, हम उम्र के दोस्त के बच्चे होते हैं, चाहे वो क्लास में हों, स्कूल में हों, गली में हों या कहीं भी हों, मतलब जिसको उसके आस पास दिखते हैं, उनके साथ फ्रेंड्स से करने में मज़ा आता है, खेलने कूदने में मज़ा आता है। फिर चाहते हैं कपड़े गंदे क्यों ना हो रहे हों, बाल गंदे क्यों ना हो रहे हों, उसके कपड़े उसको चोट भी लगती है तो कुछ टाइम में दर्द होता है, लेकिन फिर से वापस खेलना कूदना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे मतलब वो आगे, और फिर मतलब 13 साल तक जो बचपन रहता है वो रहता है, ये कहने मतलब। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करता है और 14th ईयर में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है, मतलब कि मुझे अपने ड्रेस गंदी नहीं करनी है, कपड़े साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि मम्मी को गुस्सा भी करेगी, मारेगी भी, और कपड़े धुलने में दिक्कत होगी, मतलब। और मुझे अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, स्टडी पर अच्छा फोकस करना है। तो जो बच्चे समझदार होते हैं, मतलब उस तरीके की सोच रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, या उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता, या उन चीज़ों को या वो समझने में किसी चीज़ों कमज़ोर होते हैं या फिर उनके अंदर आलस की, मतलब। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो कई जैसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, चाहे वो नर्सरी से लेके, चाहे वो 12th की क्यों ना हो, मतलब क्योंकि हैबिट, एक बार अगर कोई गलत हैबिट बन जाती है तो उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तो और यही हैबिट होती है कई बार कॉलेज में ही, मतलब कि, और कई बार जॉब वाले बंदों में भी देखने को मिलती है, मतलब। तो जैसे कई बार सुबह के टाइम जो बच्चे होते हैं, सुबह उठने में मतलब सुबह उठते नहीं है टाइम के, मतलब टाइम हो जाता है, 8 बजे स्कूल में पहुँचना होता है, अब उठते नहीं है, फिर मम्मी उसे पानी डालती है। कई बार अगर आपसे भी कुछ होगा तो आपके साथ भी बच्चों में एक्सीडेंट हुआ होगा कि मम्मी कई बार और मग्गे से लेकर पानी डाल देते हैं, मतलब ताकि बच्चा उठता है और समय पर तैयार होकर स्कूल चला जाए। और फिर तो कहने का मतलब, जो बच्चे अपने अंदर आलस की भावना रखते हैं, मतलब, और इस तरह के हैबिट रखते हैं, सुबह जल्दी ना उठना, मतलब, तो सुबह का जो टाइम होता है एक प्रकार का, मतलब बहुत ही फ्रेश टाइम होता है, मतलब। और इस तरह की हैबिट रखना कि लेट स्कूल के लिए जाना या लेट उठना, टाइम पर तैयार होकर ऑफिस स्कूल नहीं पहुँचना, फिर टीचर की मार खाना, इस तरह मतलब ये जो सारे गलती हैबिट से कैसे क्रिएट हुई, ये हुई आपके टाइम पर ना उठने के कारण, जिसको हमें बोल रहे थे।
कि जो सोता है वो खोता है, क्योंकि आप सो रहे हो, आप सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहे हो स्लीपिंग को, मतलब क्योंकि सोना हर किसी को पसंद है, लेकिन सोया हमें उतना ही सोना चाहिए जितना कि हमें हमारे लिए अच्छा हो, हमारे डेली रूटीन के लिए अच्छा हो। जैसे कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को दिन भर में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, मतलब तो खास तौर पर मतलब बच्चों के लिए, बच्चों को स्टडी भी करना होता है तो, और सुबह उठकर हमें पढ़ाई भी करनी होती है, तो जो बंदे आलस वाली भावना को रखते हैं कि और सुबह लेट सुबह उठते हैं, तो लेट सुबह उठेंगे तो लेट स्कूल पहुंचेंगे, लेट स्कूल पहुंचेंगे तो टीचर को मार खाएंगे, डांट सुनेंगे, उसके अलावा फिर सही से उनका फोकस नहीं होगा, मतलब तो इस तरीके से मतलब तो, और फिर इस तरीके से कई सारी चीजों को वो मिस कर देते हैं, मतलब जैसे मान लो ये तो चलो हो गया बच्चों की बात, हो गई छोटे बच्चों की बात, तो छोटे बच्चों को यही कर रहे हैं कि टाइम पर सुबह उठना चाहिए, टाइम पर तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से होमवर्क करना चाहिए, टाइम पर सब चीजों को पूरा करना चाहिए, मतलब लेट नहीं करना चाहिए, जो जाग जाएगा इन चीजों को, हैबिट्स को अपना देगा, जो समय पर उठ के अपने काम को पूरा करेगा, वही आगे जाकर जीवन में कुछ बन सकता है और वही नई चीजों को पा सकता है, मतलब और लाइफ में कुछ कर सकता है। इस तरीके से कई बंदे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पर कुछ उनको इवेंट्स वगैरह करने का मौका मिलता है कि आ जाओ आप इसमें पासा मिल जाओ, मतलब जैसे बोलते हैं लाइफ में कई चीजों को सीखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ऐसा ट्रेनिंग के तौर पर ही बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे, लेट उठे या वहाँ पर लेट पहुंचे, तो आप ऐसे लोगों से कोई भी जुड़ना नहीं चाहता या मतलब फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता, जो अपने काम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति या अपने जो लाइफ के गोल के प्रति ढीले हो, मतलब ढीले होते हैं या गंभीर नहीं होते, सीरियस नहीं होते हैं। तो हमें अपने अंदर से जो लेडीनेस की भावना है, ढीलेपन की, मतलब उसको निकाल देनी है, और जैसा मैंने बताया कि हमें जो हमें अपने आप को ऑलवेज एक्टिव रखना है, मतलब और हमें क्या बोलते हैं जो एक मैंने जो एग्जांपल बताया कि जो सोता है वो खोता है, हमें अपने अंदर सोने की भावना नहीं रखनी है, सोने का मतलब ये नहीं कि स्लीपिंग, स्लीपिंग तो चलो मैंने स्टूडेंट्स के तौर पर बता ही दिया, स्लीपिंग का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको डिले से मत कीजिए, अरे हो जाएगा, मतलब कई लोग होते हैं कि काम को तो पूरा करना होता है पर दिमाग में ये रखते हैं कि अरे हो जाएगा ना, अरे कर लेंगे ना, अरे करवा देंगे ना, या इस दिन हम कर लेंगे, उस दिन हम कर लेंगे, मतलब तो इस तरीके की जो दिमाग में सोच होती है या मानसिकता होती है, ये होती है काम को टालने वाली या काम को आगे फॉरवर्ड कर देने वाले, कहने का मतलब। और जब आप काम को समय पर नहीं करोगे, टाइम पर नहीं करोगे तो क्या होगा, वही टाइम फिर काफी टाइम पर बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है, और डिले होने के कारण आप इसमें अगर वापसी भी करना चाहो, मतलब उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने की, तो आप इस वापसी नहीं कर सकते हो, आप उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही फिर कहावत आ जाती है कि जो सोता है, आप सोते सोते ही मतलब दिमाग में एक रख रहे थे कि अरे हो जाएगा, मतलब टाल देना कि अरे कर लेंगे, कुछ नहीं होता, हो जाता है सबके साथ, मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब तो आप अगर ऐसे सोच कर रखोगे मतलब तो ऐसा फिर आप कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हर जगह वो बैड हैबिट्स आ जाएंगी, और बैड हैबिट्स जो होती हैं अच्छी नहीं होती है लाइफ के लिए, क्योंकि अभी आपके यंग हो, अच्छे हो, और आपकी जो लाइफ है वो जीवन में कुछ बनने की है, कुछ करने की है, और आप अच्छे से बन लोगे, कुछ कर लोगे, तभी आप जाकर अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी कर सकते हो। तो आपने देखा ही होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के उन्होंने जॉब किया, रिटायर हो गए, आपके फादर भी कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने भी किसी ना किसी को पहले सीखा ही होगा, कहने का मतलब। और आपको भी आगे जाकर आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी, पढ़ लिख लोगे, कॉलेज कर लोगे, आपको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे रख, जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां वगैरह आ जाएगी, तो आपको भी अपने घर को सपोर्ट करना होगा, घर के सारे नीड्स को पूरी करनी होगी, और अपने पेरेंट्स की बोलते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना पड़ेगा, जब वो अभी आप यंग हो, बच्चे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो अभी और आपके पेरेंट्स यंग है तो आपको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको काबिल बना रहे हैं, अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को मार दे रहे हैं, आपको किसी काबिल होने में लग पड़े, आगे रखे जब वो बूढ़े हो जाए तो आपको उनको सहारा देना पड़ेगा। तो कहने मतलब जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, तो आपको सोने वाले कैटेगरी में नहीं ले जाना है, आपको एक्टिव वाले अपने आपको कैटेगरी में ले जाना है, एक्टिव वाले, और ऑलवेज कोई भी काम आपको मिले और एक्टिवली उस काम को अच्छे से कर लो, पूरे तरीके से कर लो, और आप सही तरीके से काम को कर लो, तो आपको अपने आपको जो सोता है वो खोते वाले जो लाइन, इसमें आपको अपने आप को नहीं ढालना है, आपको जो जागता है वही पाता है, जो मतलब अपने आप को एक्टिव रखता है, अपने आप को हार्ड वर्क रखता है, अपने आप को काम के प्रति अपनी पूरी पूरी लगन को बनाए रखता है, मतलब वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है, अपनी लाइफ में
अपने जो भी उसका ड्रीम होता है सक्सेस को पा पाता है, प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसा लगा आप सभी को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।